अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर शुभमन गिल के शानदार शतक और विराट कोहली के शानदार अर्धशतक से टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मुकाबले में वापसी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, आज के दिन के पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शुभमन गिल के शानदार शतक और विराट कोहली के बेहतरीन अर्धशतक से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज इस चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। कल के खेल को टीम इंडिया के बल्लेबाज आज आगे बढ़ाने शुरू किया। रोहित शर्मा 17 रनों से आगे खेलने शुरू हुए। भारतीय टीम की तरफ से आज के मुकाबले में पहला चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, पहली गेंद का सामना रोहित शर्मा ने किया था और बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए एक रन बनाया था मिचेल स्टार्क की गेंद पर, लेकिन इसके बाद पहला चौका 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर देखने को मिला, और यह चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए, और आज की 14वीं गेंद पर टीम इंडिया को पहला चौका मिला। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक और पुल शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा शुभमन गिल ने, और भारतीय टीम के लिए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 3 रन लिए और इस ओवर में टोटल टीम इंडिया ने 14 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 15वें ओवर की 4थी गेंद पर भी मिचेल स्टार्क की गेंद को बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित शर्मा का भी ये बेहतरीन चौका था। इसके बाद रोहित के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला। उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को पुल करते हुए बेहतरीन छक्का बटोरा। हालांकि दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब रोहित शर्मा एक शानदार तरीके का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर लाबुसेन बीच में खड़े हो गए और उनका कैच पकड़ लिया और टीम इंडिया को आज के दिन का पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 58 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 35 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो सेट होकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर उतरे। चेतेश्वर पुजारा से उम्मीद थी कि आज वो जमकर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन इसी बीच यहां पर 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के जरिए शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार थी और वो अर्धशतक तक पहुंचे। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों का चलना जरूरी था और यहां पर शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक रन लिया 29वें ओवर की 6ठी गेंद पर। इसके बाद दोस्तों, 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला मिचेल स्टार्क की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद मर्फी 34वां ओवर डालने आए। इस 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। चेतेश्वर ने काफ़ी शानदार तरीके से इस गेंद पर चौका बटोरा। चेतेश्वर पुजारा भी इस चौके के साथ अब अपने चौकों का खाता खोल चुके थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया का पहले सत्र में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, और पहले सत्र की बात करें तो आज लंच के समय तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस सेशन के 27 ओवरों में 93 रन बनाए। इस दौरान टीम इंडिया ने रोहित का विकेट जरूर गंवाया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आखिर में यहाँ पर टीम को संभाल लिया। इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर लंच के बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। तो यहां पर शुभमन गिल पहुंच चुके थे 65 रनों पर, तो चेतेश्वर पुजारा 22 रनों पर थे, और अब टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि इसी बीच काफ़ी शानदार गेंदबाजी रही नेथन लियोन की, लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरे सत्र में टीम इंडिया के लिए 39वें ओवर की 6ठी गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला कैमरून ग्रीन की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से। उन्होंने शानदार ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। इसके बाद कैमरून ग्रीन के 41वें ओवर की पहली गेंद पर भी चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि इसी बीच इसी ओवर में एक रनआउट का चांस भी जरूर आया था, लेकिन वहां पर रनआउट कर नहीं पाए
ट्रेविस हेड और शुभमन गिल क्रीज में पहुंच गए। इसके बाद यहां पर 57वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ग्रीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से शुभमन गिल ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका बटोरा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट लग रहे थे। तभी 58वें ओवर डालने आए मर्फी की पहली गेंद पर चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने यहाँ पर सामने बाउंड्री लाइन के पार चौका भेजा। इसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल ने 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। अब अपने 100 की तरफ पहुंच रहे थे शुभमन गिल और यहां पर बल्लेबाजी कमाल की कर रहे थे, जब तब उन्होंने यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना दूसरा टेस्ट शतक भी पूरा कर लिया। अपनी लाजवाब फॉर्म को यहाँ पर भी शुभमन गिल ने बरकरार रखा और 62वें ओवर में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। शुभमन के शतक के साथ ही टीम इंडिया अब धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुंच रही थी और आज के दिन के खेल में भी टीम इंडिया पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए 62वें ओवर में ही एक बड़ा झटका लगा। 62वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉड मर्फी ने यहां पर पेवेलियन भेजा टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को। चेतेश्वर पुजारा LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे। उन्होंने 121 गेंदों का सामना किया, 42 रनों की पारी खेली और वो भी सेट होकर पेवेलियन लौटे और टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। चेतेश्वर पुजारा ने इस विकेट को चैलेंज जरूर किया था, रिव्यू लिया था, लेकिन रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ और भारतीय टीम को रिव्यू के साथ साथ चेतेश्वर पुजारा के रूप में बड़ा विकेट भी गंवाना पड़ा। चेतेश्वर पुजारा की पारी काफी शानदार थी, लेकिन इनसे और भी लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन वो 42 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली। तो यहां पर दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। इसी बीच दोस्तों भारतीय टीम ने चाय काल तक शानदार बल्लेबाजी की और इस सेशन में भी टीम इंडिया ने सिर्फ एक ही विकेट गंवाया और टीम का स्कोर 167 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि इस सेशन में भारतीय टीम तेजी से रन नहीं बना पाई, 26 ओवर में सिर्फ 59 रन ही बने। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी सेशन की बारी थी। आखिरी सेशन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए काफी शानदार तरीके से हुई, जब यहां पर सबसे पहले विराट कोहली के बल्ले से मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका देखने को मिला। यह विराट कोहली का फेवरेट शॉट था। वहीं पर इसी ओवर की 6वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा और इस शानदार ओवर की शुरुआत कर दी। इसके बाद यहां पर 76वें ओवर की 6वीं गेंद पर भी विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया, यानी कि चाय काल के बाद विराट कोहली 4 चौके लगा चुके थे। लेकिन इसी बीच 128 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें थी टीम इंडिया को, लेकिन 79वें ओवर की 4वीं गेंद पर भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल को यहां पर LBW आउट करके नेथन लियोन ने पेवेलियन भेजा। शुभमन गिल वैसे तो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनसे चूक हुई और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। 235 गेंदों पर 128 रन बनाकर शुभमन गिल LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे। शुभमन गिल के विकेट के बाद टीम इंडिया की अब सारी उम्मीदें रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के ऊपर आ चुकी थी। हालांकि इसी बीच यहां पर विराट कोहली के बल्ले से दमदार शॉट भी देखने को मिले, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया और टीम इंडिया ने आज के दिन के खेल में तेजी से रन बनाने भी शुरू किए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और 93वें ओवर की 4वीं गेंद पर 2 रनों के साथ विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के बल्ले से ये अर्धशतक 14 महीने के बाद आया। उन्होंने जनवरी 2022 में अर्धशतक बनाया था, उसके बाद अब उनके बल्ले से एक बार फिर अर्धशतक देखने को मिला है। इसके बाद भी दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के दिन काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद 96वें ओवर डालने आए कोहन मैन की तीसरी गेंद पर लॉन्गोन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा के बल्ले से ये निकला छक्का 75 मीटर दूर जाकर गिरा। रविंद्र जडेजा ने इस छक्के के साथ ही बता दिया कि वो अपनी बेहतरीन लय में अभी भी मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी 3 ओवर को काफ़ी शानदार तरीके से खेला, क्योंकि दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने 97वें ओवर में 1 रन बनाया तो 98वें ओवर में 5 रन बने, जबकि पारी के 99वें ओवर में टीम इंडिया ने 1 रन बनाया और इसी के साथ आज के दिन का खेल भी समाप्त हुआ। यानी कि दोस्तों 3 दिन के खेल की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने
99 ओवर में 289 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली 59 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बना लिए हैं। विराट कोहली ने 128 गेंदों का सामना किया तो रविंद्र जडेजा ने 54 गेंदों का सामना किया। वहीं पर आज के दिन के तीसरे सेशन की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा और 36 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 101 रन बनाए। आज के तीन ही सेशन में टीम इंडिया ने एक एक विकेट जरूर गंवाया, लेकिन दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया की तरफ से जब कल चौथे दिन का खेल शुरू होगा तो कौन कौन से बल्लेबाज शतक ठोकेंगे। वैसे टीम इंडिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 191 रन पीछे हैं, तो क्या लगता है टीम इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 150 रनों की बढ़त ले सकती है आक्रामक क्रिकेट खेलकर। आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।